एक्सप्लेन करी। अब आता है चौथा पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए किया जाए। जैसे कि आपको 90% लोग यही बोलते हैं होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। भाई सबको पता है कि होल्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर 50% लॉस में भी चले जाओगे तो भी लोग आपको कहेंगे होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। 80% लॉस में चले जाओगे, अरे अब तो आपको होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको यहाँ से और कोई स्टॉक नहीं है जो यहाँ से ऐसे रिकवरी दिखा दे। ये आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, होल्ड का नाम मजबूरी होता है। जैसे कि एक कहावत है हमारी तरफ, अभी नहीं कहेंगे, मजबूरी का नाम डैश डैश। खैर आगे बढ़ते हैं, मजबूरी का नाम यहाँ पर होल्ड होता है स्टॉक मार्केट में, ये समझ लीजिएगा। अगर आप भी इस मजबूरी के शिकार हैं तो आपका फ़ायदा बहुत लोग उठाने वाले हैं। मैं आपको ये सलाह अक्सर नहीं देता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सलाह देता हूँ। मैंने अपना आपको एनालिसिस दे दिया, मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया, कोई ज़रूरत नहीं मेरी बात मानने की। आप लोग अपनी अपनी धुन में रहिए, अपनी मतलब जो भी आपको परफॉर्मेंस पसंद हो वो आप चेक कीजिए। जो भी आपको होल्ड करने को कह रहे हैं उनके पीछे उसके पीछे का कारण आप जब जानोगे दंग रह जाओगे। आप भी एक एनालिस्ट बन जाओ, यूट्यूब चैनल खोल लो या टीवी पे जाकर बैठ जाओ और कोई भी स्टॉक आए हाँ होल्ड कीजिए। कोई भी स्टॉक आए मतलब एकदम घटिया से रद्दी क्वालिटी का भी स्टॉक आ जाए बोलिए होल्ड कीजिए। इसीलिए होल्ड इस चक्कर में आप पड़िएगा नहीं। बहुत से लोग आपको बताएंगे हाँ होल्ड हाँ होल्ड। भाई सही जगह खरीदे हो तब होल्ड करो, गलत जगह खरीदे हो तो बोल्ड हो जाओगे, याद रखिएगा। अन्य वीडियोस को देख लीजिए, आपको सारा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। मैं चार्ट पर चलूँगा। आपको मैंने एक चीज़ बताई कि होल्ड करने की सलाह, एक बच्चे को बोल दीजिए भाई कोई भी कुछ भी पूछने आ जाए स्टॉक पे उसको बोलना होल्ड। कोई कुछ भी पूछे हाँ भाई मैंने इस रेट पे ख़रीदा होल्ड, जैसे टीवी वाले बोलते हैं ना हाँ होल्ड 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 होल्ड, वो भाई एक हाँ। और एक दूसरे तरीके के एक्सपर्ट हैं, उनकी भी बात कर दूँ, वो आपको सलाह देंगे बाइंग विथ स्टॉप लॉस, बाइंग विथ स्टॉप लॉस। भाई 100 रुपये खरीदो 99 स्टॉप लॉस लगाओ। और ये तो कमाल की चीज़ ऐसी भी है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो, स्ट्रिक्ट हो जाओ अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। आपको सेल करने की सलाह कोई नहीं देता है, मैं देता हूँ। और जाकर चेक कीजिएगा कब कब दिया हूँ, फ्यूचर ग्रुप में दिया हूँ, यस बैंक में दिया हूँ, आलोक इंडस्ट्रीज में दिया हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिया हूँ, ढेर सारे स्टॉक्स में दिया हूँ, बर्गर किंग में दिया हूँ, जाकर चेक कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बाकी आपकी मर्जी, मेरा कहा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टॉक होल्ड करिए, बाय कीजिए, धुआंधार बाय करिए, पूरा पोर्टफोलियो लगा दीजिए। हमारा क्या जाता है, जाएगा तो आपका, आएगा तो आपकी जेब में। तो ना मैं कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूँ, ना ही मैं इतना काबिल हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दे सकूँ। क्योंकि आप सबको चाहिए चमत्कारी वाली बातें कि हाँ भाई ये तो आग लगाएगा। आ गया ना लार्ज कैप में, शामिल हो गया ना यस बैंक, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा फील गुड करिए, स्माइल दीजिए, फ़ोटो खिंचा लीजिए। अच्छी बात है, यस बैंक लार्ज कैप में शामिल हुआ। इसी चक्कर में आपसे बहुत लोग बोले धमाका होगा। भाई अच्छी बात है, धमाका हो जाए बहुत खुश हो जाओ, लेकिन अगर आपसे कोई बोल रहा है लार्ज कैप बन गया तो आप खरीद लो, तो ये तो गलत बात है ना। अब ऐसी वीडियो बनाने के बाद मुझे पता है बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है, बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है, बहुत लोगों से दुश्मनी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि जो सच है वही आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप लोग यही चाहते हो कि हम भी चमत्कारी वीडियो ही बनाएं, और भाई अगर मैं आपको यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दे दिया और स्टॉक 50% गिर गया तो क्या कर लोगे आप मेरा? मैंने नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि भाड़ में जाए दुनियादारी, हमने आपको दिया है डिस्क्लेमर, दिया है ना, यही हर कोई देकर बैठा रहता है। थोड़ा समझा करो कि कोई आपको क्यों सलाह दे रहा है, अपने व्यूज पाने के लिए या आधे आधे घंटे आपको फंसा के रख। नहीं पड़ता फर्क, आपको पड़ेगा जब आपका लॉस या प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है यस बैंक यहां पर लेने लायक है तो आप ले लीजिए, हमको नहीं लगता हम नहीं ले रहे हैं, हमको लग रहा था यहां महंगा इसलिए हमने बेच दिया, आपको बेचने की सलाह भी दी। जो लोग नहीं बेचे उनकी अपनी होशियारी, उनकी अपनी ईमानदारी, कम से कम ईमानदार तो रहिए अपने आप से कि चलिए आपने यहां पर खरीदा, आप यहां पर क्या कर रहे हो, डिसीजन आपको खुद से लेना है। मैंने आपको बोला कि निफ्टी का भी चार्ट एक बार देख लीजिए, वो कहाँ पर ट्रेड कर रही है और यस बैंक ऊपर के लेवल से कहाँ ट्रेड कर रहा है, फिर आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक 15% नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है। कारण ढूंढिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ढूंढने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। आपको पता है ढूंढने वाले क्या क्या ढूंढ लेते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से।